कि वो भी माँ बहन और बेटी का जो है वो दर्जा रखते हैं और उनका भी कोई ताल्लुक है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मैं इसके ऊपर पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी गुजारिश करूंगा। सोशल मीडिया ने तो अपना किरदार अदा किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इसके हवाले से, इसको क्रिटिसाइज करने के हवाले से, इसको कंडेम करने के हवाले से वो किरदार सामने नहीं आया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मौलवी फजलुर्रहमान की बाइकॉट करना चाहिए जब तक वो अपने अल्फाज वापस नहीं लेता, जब तक वो पूरी पाकिस्तानी कौम की माओ बहनों और बेटियों से माफ़ी नहीं मांगता, जब तक वो अपना ये जेस्चर शो नहीं करता। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उसका बाइकॉट करना चाहिए क्योंकि उसने पाकिस्तान की तमाम माओ बहनों और बेटियों की इज्जत को तार तार किया है और गलाजत और गंदगी का ढेर अपने आप को साबित किया है। और इसके ऊपर मैं सिविल सोसाइटी से भी गुजारिश करूंगा, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी वो रद्द अमल नहीं आया जो पाकिस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी हमेशा रद्द अमल दिया करती है। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान की इस गलाजत के ऊपर मबनी जो एक्ट है, जो जबान है, इसके ऊपर सिविल सोसाइटी को भी सड़कों पर आना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर फिर कोई मजहबी या गैर मजहबी रहनुमा, कोई सियासी और मजहबी रहनुमा जलसों के अंदर किसी की माँ बहन बेटी और पूरी कौम की माँ बहन बेटी के हवाले से इस किस्म की गंदी और रजील जबान जो है वो इस्तेमाल ना कर सके। तो मेरी पाकिस्तान की अदलिया से भी गुजारिश है कि वो इसका नोटिस लें, उसको बुलाएं, उससे पूछें कि तुम्हें इस ये राइट, ये हक किसने दिया है कि पाकिस्तान की 52% आबादी से ताल्लुक रखने वाले जो सन्फ हैं उसको तुम इस अंदाज से जो है वो इस घटिया अंदाज से तुमने मुखातिब किया पूरे भरे आम जलसे में। ये पाकिस्तान की अदलिया की भी जिम्मेदारी बनती है। तो अदलिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सिविल सोसाइटी, मैं ये समझता हूँ कि उन्हें फ्रंट फुट पे आना चाहिए और इस मौलवी फजल रहमान की इस घटिया और रजील हरकत के ऊपर उसका मुहासबा करना चाहिए ताकि आइंदा कोई पॉलिटिशन इस किस्म की जबान और आइंदा कोई मजहबी गैर मजहबी फर्द इस किस्म की जबान ना इस्तेमाल कर सके। दूसरी, अभी ख्वाजा साद रफीक और राणा सनाउल्लाह ने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब ने जो इनको जेस्चर दिया कि जनाब आए बैठे और बैठ के नए इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुज़ाकरात करें, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले 8 महीने से इमरान खान साहब और PTI ये बात कर रही है और हमारा ये मुतालबा है कि जनाब फौरी तौर पर बैठ के इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए फौरी तौर पर जो है वो फौरी और फ्री और फ्रेश इलेक्शन जो है वो मुनक्किद किए जाएँ। क्यों? सारी सूरत हाल आपके सामने है कि पाकिस्तान, जब हम फरवरी मार्च के महीने में पाकिस्तान छोड़ के गए, 5% प्रोबेबिलिटी और चांस था पाकिस्तान के दिवालिया होने का। आज 100% पाकिस्तान नहीं, दुनिया के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान 100% दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है। ये 8 महीने की परफॉर्मेंस है इस हुकूमत की। हम इस वजह से फौरी इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि इन 8 महीनों में पाकिस्तान की आवाम को 11% से 44% की महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जीना भी मुश्किल और मरना भी मुश्किल हो गया आवाम का। हम फौरी इलेक्शन का मुतालबा इस वजह से कर रहे हैं इमरान खान साहब कि पाकिस्तान अगले इस महीने $125 अरब के सिर्फ आपने बॉन्ड्स की सूरत में कर्जा पे बैक करना है और आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास दरामदाद के हवाले से भी जर मुबादला के 1.25 महीने के या 1 महीने के जखायर मौजूद हैं। $8 अरब से कम के आपके जखायर हैं। हम इस वजह से फ्री और फौरी इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान ये 1 महीने के अंदर इस दिवालिया की पोजिशन में आता है तो दुनिया का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई मुल्क ना आपको कर्जा देगा ना आपकी इमदाद करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इस नाअहल, नखट्टू और नकम्मे हुक्मरानों ने 8 महीनों में पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया है। हम इस वजह से फ्री एंड फोरी इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का 6% GDP ग्रोथ रेट जो हम छोड़ के गए थे आज वो 2% के राउंड अबाउट पे आ गया है। हम इस वजह से फ्री एंड फोरी इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो हमने फॉरेन रेमिटेंस $31 अरब पे छोड़ के गए थे आज उससे कहीं नीचे आ चुकी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत पे इतबार करने को तैयार नहीं। हम फौरी और फ्री इलेक्शन की इस वजह से इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि $32 अरब का जो हम एक्सपोर्ट लेवल छोड़ के गए थे
आज वो बिल्कुल तबाह हाल हो चुका है और उसकी जनाब कोई हालात नहीं है और एक्सपोर्ट पाकिस्तान की कहीं नीचे आ चुकी हैं। इस वजह से हम फोरी और फ्री इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हम इस वजह से फोरी और फ्री इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर LC जो है वो नहीं खुल रही। पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टर एक्सपोर्टर हर किस्म का बिजनेसमैन परेशान है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे कोई इमेज नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि पिछले 1.5 महीने से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है इन नकम्मों नखट्टू और नाअहल हुक्मरानों की मिसमैनेजमेंट की वजह से। एडमिनिस्ट्रेशन में, हुकूमत चलाने में, इकानमी चलाने में ये फेल हो चुके हैं। आगे से जवाब ये दिया जाता है कि 13 जमातों की इंपोर्टेड हुकूमत वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हम क्यों इलेक्शन करवाएं। उनका मूड नहीं है, उनकी मर्जी नहीं है। पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान की रियासत तबाह हो जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो जाए, पाकिस्तान की आवाम तबाह हो जाए, वो ठीक है। इनका मूड नहीं है कि ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, पाकिस्तान जिस हाल में भी पहुंच जाए। तो मेरी अरबाब बस्तों कुशात से गुजारिश है और खसूसन ये राणा सनाउल्ला और ख्वाजा साद रफी, अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े दावे किए जनाब इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पिछले 8 महीने से ये बातें कर रहे थे, फौज के हवाले से ये कर रहे थे, अब वो जनाब ये बातें कर रहे हैं। मैं पूरी कौम से पूछूंगा 2016 से लेके फरवरी 2022 तक 6 सालों में सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ से लेके बेगम सफदर से लेके ख्वाजा साद रफीक से लेके जावेद लतीफ से लेके तलाल चौधरी से लेके इनके जितने लोग हैं राणा सनाउल्ला से लेके इन तमाम लोगों की फहरिस्त एक लंबी, और मौलवी फजलुर रहमान से लेके बिलावजह भुट्टो से लेके तमाम इंपोर्टेड हुकूमत की पार्टियों के लीडर, ये बताए कि ये फौज के हवाले से और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या जुबान इस्तेमाल किया करते थे। क्या ये फूल की पतियां निछावर किया करते थे गुलाब की? क्या ये गेंदे का फूल जो है वो फेंका करते थे फौज और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर? क्या ये जनाब आपकी मोतिये की जनाब फूल की पतियां निछावर किया करते थे? इनकी जबानों से जहर उगला करता किया करती थी, ये गालम गलोज तक किया करते थे एस्टेब्लिशमेंट के जो लीडरान थे और फौज के जो अफसर थे उनके हवाले से। ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ख्वाजा आसिफ ने जो जो जबान इस्तेमाल किया आज हर पाकिस्तानी के मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया में वो मौजूद है। इनसे पूछो वो 6-7-8 साल और फिर पिछले 30 सालों के बीसियों वाकयात हैं और तकारीर हैं जो इन लीडरों ने पाक फौज के हवाले से उनके सिपाहियों का मजाक उड़ाया, उनकी शहादतों का मजाक उड़ाया, उनकी कंट्रीब्यूशंस का मजाक उड़ाया, वो आप किया करते थे और आज आप समझते हैं कि आप उनके जनाब इज्जत और वकार के चाचे और मामे बने बैठे हुए हैं। आप इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं कि इमरान खान ये कहा करते थे और आप कहते हैं कि जनाब बैठ के जनाब सुलह सफाई की जाए और मुज़ाकरात की जाए। तो जनाबे वाला पहले अपना गिरेबान झांकें, पहले अपने गिरेबान की तरफ देखें कि आप किस पोजीशन पे खड़े हैं। आपने इन 8 महीनों में NRO ले लिया, आपने 1100 अरब के अपने जनाब केसेस माफ करवा लिए, आपने NRO 2 ले लिया, आप सियासी और NRO की वॉशिंग मशीन के अंदर धुल के हाजी नमाजी परहेजगार बन गए, आपने अपनी लूटमार अपने जाली TTs अपनी मनी लॉन्ड्रिंग अपने खरबों रुपए की वो लूटमार के जो कमा के पैसा बाहर के मुल्कों में आपने जनाब भेजा हुआ है आपने वो सारी चीजों के हवाले से साफ करवा लिया। और क्या चाहते हैं? और आप इस मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं? आपने इतनी बड़ा काम ले लिया इन 8 महीनों में, अब खुदा का वास्ता है हाथ जोड़ के हम आपसे गुजारिश करते हैं इस मुल्क का सोचो। इमरान खान इस मुल्क का सोच रहा है, इमरान खान इस मुल्क की खातिर कहते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाया जाए और पूरी पाकिस्तानी कौम इक्तदार का हुमा जिसके सर पे बिठाए वो पार्टी और वो लीडर इस मुल्क को बचाने के हवाले से अपना किरदार अदा करे, क्योंकि इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस हाग डार जिसको टार्जन $6 बिलियन मैन बनाकर जनाब यहां लाया गया था उसने पिछले 3 दिनों से बरमला ये कहना शुरू कर दिया है कि डॉलर की कीमत को ऊपर जाने से मैं नहीं रोक सकता, ये ओपनली उसने कह दिया है। अब मुझे ये बताएं, ना इकॉनमी ये चला पा रहे हैं, ना मुल्क चला पा रहे हैं, ना मुल्क की सालमियत को जनाब ये संभाल पा रहे हैं, ना आवाम की इज्जत एहतराम वकार और रोजगार का जनाब ये बंदोबस्त कर पा रहे हैं, आवाम की जिंदगियां तबाह कर दी, तो फिर जनाब इनको क्या राइट बनता है कि ये इक्तदार के अंदर रहे? और कोई आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात तो इमरान खान साहब नहीं कर रहे सबनियत तहलील करने के हवाले से। और आखिरी चीज मैं आपके सामने
सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पिछले 3-4 दिन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के और तजिया निगारों की एक टीम है जो आले शरीफ की और इस वक्त मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के अशारों के ऊपर जो है वो सारी चीजें चलती हैं, वो एक टेम्पो बना रहे हैं कि जनाब चौधरी परवेज लाई साहब इमरान खान साहब के साथ नहीं है, चौधरी परवेज लाई साहब इमरान खान साहब की सोच के मुताबिक असेंबलियां तहलील करने के प्रोसेस में साथ नहीं खड़े होंगे। तो जनाब मैं आखिर में एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं, चौधरी परवेज लाई साहब दामे धर्मे सुखने हर हवाले से, इस इशू के ऊपर नहीं, हर इशू के ऊपर इमरान खान साहब के साथ कंधा बकंधा खड़े हैं। चौधरी परवेज लाई साहब ने कल तक की तो यह भी इत्तला थी कि उन्होंने असेंबली की तहलील की समरी भी साइन कर लिया है। जिस दिन इमरान खान साहब ने कहना है कि आप समरी गवर्नर हाउस मूव कर दो, दुनिया की कोई ताकत जो है वो समरी को नहीं रोक सकेगी। अंदर से ये जितना मर्जी खुश हो या नाराज हो नून लीग वाले, अगर ये तहरीक अदब एतमाद लाना चाहते हैं तो तहरीक अदब एतमाद के नंबर इनके पास पूरे नहीं है, अदब एतमाद का वोट कहने के लिए इनके पास कानूनी पोजिशन नहीं है, गवर्नर राज लगाने के हवाले से इनके पास लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि चौधरी परवेज लाई साहब 100% बिल्कुल तैयार है, लजपाल आदमी है, यारबाश आदमी है, धड़ेबाज आदमी है और धड़ा करना जानते हैं, इज्जत अपनी भी और अपने साथ चलने वाले की इज्जत रखना भी जानते हैं। इंशाल्लाह जिस वक्त इमरान खान साहब ने उनको इशारा किया कि आप समरी मूव कर दें, हमने तो अभी थोड़ा सा टाइम दिया हुआ है कि अच्छे एमिकेबली मामला सॉर्ट आउट हो जाए और मुल्क जो है वो एक आम इंतखाब की तरफ जाए, और जिसको जितना जोम है, नून लीग को जोम है कि जनाब वो पंजाब के अंदर बड़ी पॉपुलर पार्टी है तो सो बिस्मिल्ला, फिर डर किस बात का। पीपल्स पार्टी को जोम है कि वो सिंध की बड़ी पॉपुलर पार्टी है तो सो बिस्मिल्ला। मौलवी फजलुर रहमान को अगर ये ख्वारिश है कि जनाब मैं जनाब बलोचिस्तान और KPK का बड़ा हीरो हूं, तो भाई फिर डर किस बात का है, आ जाओ, मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर, तीर भी हाजिर, कमान भी हाजिर, टैंक भी हाजिर, तोप भी हाजिर, मिसाइल भी हाजिर, हर चीज हाजिर है, आप आओ मैदान जंग से जाओ इलेक्शन का, और उसके ऊपर आवाम और जमहूर जो फैसला कर लेगी तो फिर आपको डरना किस बात का। तो मैं ये समझता हूं कि ये रूमर्स अब खत्म हो जानी चाहिए। चौधरी परवेज लाई साहब जिस दिन इमरान खान साहब ने उन्हें इशारा किया कि जनाब आप समरी मूव कर दें, उसी दिन इंशाल्लाह जो है वो समरी मूव हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। देखें मेरी इतला के मुताबिक चौधरी परवेज लाई साहब ने यह तय किया हुआ है कि पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब की और PTI की अमानत है। इसका इजहार उन्होंने 26 नवंबर को अभी खान साहब तकरीर कर रहे थे और तकरीर करके अभी इन्होंने ये ऐलान ही किया था खान साहब ने कि मैं असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से जो है वो पॉलिसी देने जा रहा हूँ। तो अभी उनकी तकरीर ख़त्म नहीं हुई थी तो चौधरी परवेज लाई साहब का बयान TV चैनलों में टिकट चलना शुरू हो गए थे कि पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब की इमानत है, जिस वक्त इमरान खान साहब फैसला करेंगे उस वक्त जो है वो पंजाब हुकूमत को तहलील करने का जनाब समरी भेज दी जाएगी। तो आप बेगम रहे इंशाल्लाह चौधरी परवेज लाई साहब मायूस नहीं करेंगे PTI के कारकुनान को भी और वोटर्स को भी। देखिए इस वक्त यार एक खामोश हो गया, इस वक्त की सूरत हाल ये है 176 अरब रुपया पंजाब का, 120 अरब रुपया KPK का, और वो ये पैसे हैं जो जनाब आपका मालियाती जो आपकी स्कीम है NFC उसके तहत और फिर कुछ तरबेला डैम और कुछ मुख्तलिफ इस किस्म के इश्यूज के ऊपर ऑटोमेटिक जो है वो मरकज से सूबों को ट्रांसफ़र होती है, इन्होंने 8 महीनों से वो भी रोक दी। मैं कहता हूँ मेरे पास टाइम नहीं था, अगर लंबी बंदा को 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो मैं आपको डिटेल बताऊँ कि क्या क्या जस्टिफिकेशन है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमतें ख़त्म होनी चाहिए, नया फ्री एंड फ्रेश मैंडेट मिलना चाहिए और खसूसन वफाकी हुकूमत अगर ये रही तो नऊज़ बिल्ला माज़ अल्लाह पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँच सकता है। तो ये सूबों के अंदर भी तफरीक पैदा कर रहे हैं, ये सूबों और वफाक के अंदर भी नफरत पैदा कर रहे हैं और इनका जाना बहुत ज़रूरी है और उसका सबसे बेहतरीन तरीका कार जो है वो फ्री और फ्रेश इलेक्शन है। आपने जैसे कहा कि समरी पे
इंतजार किया जा रहा है, हालांकि खान साहब ने कह दिया है कि असेंबली तहरीक। नहीं नहीं नहीं, खान साहब अभी कल के इजलास के अंदर तय हुआ कि खान साहब डिविजन्स की सतह पे सूबाई असम्बली पंजाब और इसी तरीके से KPK के तमाम MPA से मुलाकात करेंगे और उसमें प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन करके उनकी राय लेके सारे प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस करके फिर उसके बाद जनाब इसका फैसला, और ये चंद आई थिंक एक दो हफ्तों के अंदर ही जना ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। चौहान साहब ये बताइएगा, आप तर्जुमान वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला की जानिब से जो तर्जुमान पंजाब हुकूमत है उनको नोटिस की शोका जारी हुआ, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, कल इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट तर्जुमान ने कहा कि इमरान खान ने फैसला किया है कि पार्टी का कोई रहनुमा एस्टैब्लिशमेंट और इदारों के हवाले से सब जुबान इस्तेमाल नहीं करेगा, तो क्या आपने काफिली को फॉलो करने का फैसला किया? आपने क्या कहा कि किसने कहा ये तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने सर सीमा सर? नहीं, आपने ये क्या क्या किसने ये तय किया है कि आइंदा ये एस्टैब्लिशमेंट? इमरान खान साहब ने कहा है कि बयान जारी किया है कि कोई भी पार्टी रहनुमा एस्टैब्लिशमेंट और इदारों के हवाले से सब बयान जारी। देखिए, बात यह है कि पिछले 8 महीनों के अंदर इमरान खान साहब से लेके मेरे लेवल का तीसरे दर्जे का PTI का कारकुन, आपको किसी की ज़बान से भी कोई फ़ौज के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई सख्त ज़बान नज़र नहीं आई होगी। हाँ, हमने ये चीज़ गिला किया और हमारा गिला जायज़ है कि करप्ट और बददियानत और टकेमार पैदागीर नौसरबाज मनी लॉन्डरर मफरूर जो पॉलिटिशियन है जिनके ऊपर जनाब जुर्म लगना था और उसके बाद उन्होंने जेल में जाना था, उसी वक्त वो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बन रहे हैं। ये हमें गिला है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उस मौके के ऊपर एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए था, उसको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था। वो हमारा राइट है एक पॉजिटिव तरीके से सारी चीज़ों को जाए वो रखने का, लेकिन हमारे किसी लीडर ने कभी ऐसी कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है और किस चैनल से? अच्छा, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि फयाजुल हसन चौहान का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है जो पिछले 1.5-2 महीने से बहुत ही वायरल हुआ कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। 16 साल पुराना इमरान खान साहब का साथी हूँ। 16 साल पहले जब 7 से 8 बंदे ही रहनुमा होते थे, लीडर होते थे, वही वोटर होते थे, वही सपोर्टर होते थे, मैं उस वक्त एक साबिक MPA की हैसियत से पार्टी ज्वाइन की और उस वक्त से लेके आज तक मारे खाई, हवालात काटी, हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त की और कुर्बानियाँ दे के पर्चे झील के यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें कोई टेंशन नहीं है, खान साहब फैसला करे जो भी, वो कहे असेंबलियाँ तोड़नी है सो बिस्मिल्लाह, वो कहे रिज़ाइन देना है सबसे पहले रिज़ाइन देंगे, वो जो कहेंगे जनाब इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, ठीक है जी। दूसरा आपने कहा मोना सलाई साहब का, मोना सलाई साहब ने तो कोई खिलाफ बयान नहीं दिया, मोना सलाई साहब ने तो सोने तो सही ना, आप सवाल पूछ लिया आपने। मोना सलाई साहब ने अपनी कुछ एक दो जाती आरा दी हैं, वो उनका राइट है, वो आरा दे सकते हैं, जना उनको कोई नहीं रोक सकता। आखिरी सवाल जी, इस पे एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और वफाकी हुकूमत जो है वो डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो सूबाई हुकूमत 3 नाम भेजेगी उसको जो है वो वज़ीर आज़म 1 नाम जो है वो चूज़ करने का पाबंद है। बहुत शुक्रिया।